हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। व्हेन मोर देन वन फीटस साइमल्टेनियसली डेवलप इन द यूट्रस, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि यूट्रस में एक साथ दो 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 या दो से अधिक फीटस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं तो उस कंडीशन को मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ टू फीटसेस इन द यूट्रस इज द कॉमनेस्ट वेराइटी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। जो एक साथ दो फीटस डेवलप होना जो यूट्रस में, ये एक कॉमन कंडीशन होती है, लेकिन दो से ज़्यादा फीटस अगर एक साथ डेवलप हो रहे हैं तो वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। यदि एक से ज़्यादा दो फीटस एक साथ डेवलप हो रहे हैं तो उस कंडीशन को ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टू फीटसेस इन द यूट्रस इज कॉल्ड ट्विंस प्रेगनेंसी। लेकिन अगर एक साथ थ्री फीटस डेवलप हो रहे हैं यूट्रस में तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स। और यदि फोर फीटसेस डेवलप हो रहे हैं यूट्रस में एक साथ तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्वाड्रिपलेट्स। एंड अगर फाइव फीटसेस डेवलप हो रहे हैं एक साथ तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्विंटिप्लेट्स। ठीक है, तो जो मेन है, मतलब जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, वो होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी। और जो ये अदर देन मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मतलब ट्रिपलेट्स, क्वाड्रिपलेट्स एंड क्विंटिप्लेट्स, ये सारी कंडीशन कैसी है, रेयर कंडीशन है, बहुत बहुत रेयरली देखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे वेराइटीज़ ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। जो वेराइटीज़ हैं उन्हें टू वेराइटीज़ में डिवाइड किया हुआ है, डाइज़ाइगोटिक ट्विंस एंड मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस। डाइज़ाइगोटिक ट्विंस कैसी कंडीशन है, इट इज़ द कॉमनेस्ट 80% एंड रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा। इस कंडीशन में क्या होता है, डाइज़ाइगोटिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब कि दो, तो इसमें क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो टू ओवा से हो रहा है, मतलब दो ओवम रहेंगे और वो अलग अलग फर्टिलाइज्ड होंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे हम डाइज़ाइगोटिक ट्विंस। फिर जो मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस है, मतलब मोनो मतलब सिंगल, तो ये और ये कितने कंडीशन होगी, 20% ओनली 20% केसेस ये इसका जो है चांसेस रहते हैं। डाइज़ाइगोटिक जो है वो 80% रहते हैं। ठीक है, मोनोज़ाइगोटिक में नाम से ही समझ आ रहा है, मोनो मतलब सिंगल, मतलब रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल ओवम, एक सिंगल ओवम से फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस। और अगर दो ओवम से जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस कंडीशन को बोलेंगे हम डाइज़ाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, क्लियर है। हम नेक्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ जाइगोसिटी। अब हम देखेंगे कैसे हम जाइगोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें, मतलब हमें डिटरमाइन करना है कि जो फीटस है डेवलप हो रहा है वो मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करते हैं। हमें सबसे पहले प्लासेंटा का एग्जामिनेशन करना है, एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होगा, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो जो डाइजाइगोटिक वाला ट्विंस है उसमें क्या मिलेगा, देयर आर टू प्लासेंटा, उनके जो प्लासेंटा रहेंगे उस फीटस के, वो दो प्लासेंटा वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, आइदर कम्प्लीटली सेपरेटेड और मोर कॉमनली फ्यूज्ड एट द मार्जिन अपीयरिंग टू बी वन। इट मीन्स कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स, ये जो इमेज है इसमें आप देख के समझ सकते हो कि जो भी फीटस हैं वो अलग अलग प्लासेंटा में हैं और जो उनकी मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेपरेट है, और वो बीच में आके मार्जिन पर क्या है, फ्यूज्ड हो गए हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा है ईच फीटस इज सराउंडेड बाय अ सेपरेट एमनियन एंड कोरियन। तो इन दोनों की क्या है, जो मेम्ब्रेन है एमनियन और कोरियन, ये दोनों भी क्या है, सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस। मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें उसमें क्या दिखेगा कि जो प्लासेंटा है वो सिंगल है, एक ही प्लासेंटा रहेगा। इसमें जो डाइज़ाइगोटिक था उसमें दोनों के प्लासेंटा जो थे वो सेपरेट थे, लेकिन इसमें क्या होगा, सिंगल प्लासेंटा रहेगा। एंड ईच फीटस इज सराउंडेड बाय अ सेपरेट एमनियोटिक सैक, और जो एमनियोटिक सैक रहेगा वो भी कैसा रहेगा, सेपरेट रहेगा। ठीक है, जो अब हम देखेंगे इंसिडेंस रेट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। जो नाइजीरिया है वहाँ पर उसका इंसिडेंस रेट है वो हाईएस्ट है, 1 in 20। एंड जो
ईस्टर्न फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनका जो इंसिडेंस रेट है वो बहुत कम है, लोएस्ट है। ओके, और जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो इंसिडेंस रेट है वो 1 in 80, मतलब 80 प्रेगनेंसी में से वन चांस, किसी एक लेडी को चांसेस हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द एटियोलॉजी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले द कॉज ऑफ ट्विनिंग इज़ नॉट नोन, मतलब कि जो कॉज है वो अभी तक आइडेंटिफाई, मेन जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें इंक्लूड हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि हो सकता है जेनेटिकली अगर जो फैमिली है उसमें ट्विन्स प्रेगनेंसी हैं तो फिर चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, मदर को मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के। इंक्रीज्ड एज, ज़्यादा एज की होने की वजह से भी हो सकता है। रेस, रेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ पैराइटी, मतलब कि कौन सा पैरा है वो भी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर उसके बाद ड्रग्स, मतलब कोई अगर हार्मोनल ड्रग्स वगैरह पेशेंट जो भी फीमेल है वो ले रही है तो उससे भी हो सकती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। और फिर नेक्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली में किसी को यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी रही हो तो भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस, इसमें हम देखेंगे कि हमें कैसे डायग्नोस करना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री में हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो हम पेशेंट से पूछना है कि वो कोई ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स लेती हैं क्या। फिर उसके बाद हमें पूछना है कि क्या इससे पहले आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई है, क्या आपके पहले भी ट्विन्स बेबी हैं। फैमिली हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विनिंग, या फिर आपकी फैमिली में किसी को ट्विन्स प्रेगनेंसी रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द यूट्रस मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। जब हम फंडल हाइट मेज़र करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो यूट्रस की हाइट है वो गेस्टेशन के पीरियड से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। मतलब जब हम मेज़र करेंगे तो जो हाइट जो है फंडल हाइट है वो बहुत ज़्यादा आएगी। फिर उसके बाद जब हम पालपेट करेंगे तो क्या होगा, टू मैनी फीटल पार्ट्स, मतलब कि जो फीटल के जो पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फील होंगे क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा फीटस प्रेजेंट है, तो जब हम पालपेट करेंगे तो बहुत सारे फीटल पार्ट हमें फील होंगे। फिर उसके बाद टू फीटल हेड, जब हम पालपेट करेंगे तो हमें दो फीटल हेड या दो से ज़्यादा, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है, तो उस हिसाब से हमें हेड जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो फीटल हार्ट साउंड है वो भी हमें कैसा सुनाई देगा, ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा ट्विन्स हैं तो जो फीटल हार्ट साउंड है वो भी अलग अलग जगह प्रेजेंट रहेगा और अलग अलग जगह से हमें साउंड सुनाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सिम्टम्स भी प्रेजेंट रहेंगे जो हमें दिखाई देंगे, जैसे इंक्रीज नौशिया एंड वॉमिटिंग इन अर्ली मंथ, मतलब कि जो अर्ली मंथ प्रेगनेंसी रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, नौशिया एंड वॉमिटिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद देखेंगे जो लेग्स में क्या रहेगा, स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी। देन अनयूजुअल रेट ऑफ यूटेराइन एनलार्जमेंट एंड एक्सेसिव फीटल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, फीटल मूवमेंट प्रेजेंट रहेंगे। एंड जो यूटेराइन एनलार्जमेंट होगा, मतलब यूट्रस का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा या एनलार्ज रहेगा। ओके, फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करना है। अल्ट्रासोनोग्राफी हम क्यों करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोस को कंफर्म करना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है या किसी और कारण से जो यूट्रस का साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वो चेक करने के लिए हम सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है, डायग्नोसिस जो है उसे कंफर्म करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ वायबिलिटी ऑफ फीटस, फीटस की वायबिलिटी चेक करेंगे, मतलब कि जो फीटस है वो ज़िंदा है या नहीं है। फिर उसके बाद फीटल एनामोली मतलब कि फीटल में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है, जो उसका मतलब जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो पूरी हो रही है या नहीं अच्छे से, वो सब देखने के लिए, ठीक है, फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए भी हम सोनोग्राफी करते हैं। देन प्रेजेंटेशन एंड लाई ऑफ द फीटस, जो फीटस है उसकी क्या प्रेजेंटेशन है,
और लाई कौन सी है वो सब देखने के लिए भी हम सोनोग्राफी करते हैं, एंड देन अमनियोटिक फ्लूड वॉल्यूम, अमनियोटिक फ्लूड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हमें सोनोग्राफी करना है। ठीक है, USG के साथ हम और भी जो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे CBC, HB एंड यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट भी हम जो है पेशेंट के कर सकते हैं। ठीक है, एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, डॉक्टर हमें जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो टेस्ट हमें पेशेंट के करवाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीनेटल मैनेजमेंट, हमें एंटीनेटल मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एडवाइस देंगे, एडवाइस में हमें सबसे पहले डाइट जो है डाइट मेंटेन करने के लिए एडवाइस करना है। सबसे पहले क्या है, इंक्रीज डाइटरी सप्लीमेंट इज़ नीडेड फॉर इंक्रीज एनर्जी सप्लाई टू एक्सटेंट ऑफ 300 किलो कैलोरी पर डे। हमें क्या करना है, जो पेशेंट है उसे डाइटरी सप्लीमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे इंक्रीज़ करना है, क्योंकि उसे पेशेंट को प्रेग्नेंट वुमन को क्या रहेगा उस टाइम पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हमें एनर्जी कंजम्पशन है जो है उसे इंक्रीज़ करना है। कितना करेंगे हम, एक्सटेंड 300 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल है उससे हमें 3 किलो कैलोरी पर डे जो है वो और इंक्रीज़ करना है। फिर उसके बाद इंक्रीज रेस्ट एट होम एंड अर्ली सीजेशन ऑफ वर्क इज़ एडवाइज टू प्रिवेंट प्री टर्म लेबर एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। मतलब हमें पेशेंट को रेस्ट रेस्ट के लिए प्रमोट करना है, और जो हमें पेशेंट को बोलना है कि वो ज़्यादा हैवी वर्क ना करें, बेड रेस्ट ही लें, ताकि कि किन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए प्री टर्म लेबर और जो जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो ना हो, उनसे बचाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम सप्लीमेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आयरन थेरेपीज टू बी इंक्रीज 100 to 200 milligrams पर डे। कितना आयरन देना है हमें पेशेंट को, 100 to 200 milligrams पर डे। फिर नेक्स्ट वन इज़ एडिशनल विटामिन कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड 5 mg टू बी गिवन। हमें पेशेंट को ये सारी मेडिसिन जो हैं प्रोवाइड करना है, सप्लीमेंट थेरेपी, ठीक है, विटामिन कैल्शियम फॉलिक एसिड एंड आयरन थेरेपी, ये सभी हमें पेशेंट को देना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर आप लोगों को मल्टीपल प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आप मुझसे कोई किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.